दिवाली के ऊपर तो मेरे ख्याल में वो रंग वगैरह बिखरे जाते हैं। दिवाली पे मेरा ख्याल है वो कलर वगैरह फेंक रहे होते हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्टर्स एंड क्रिएटर्स में। आज हम बहुत ही स्पेशल वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं दोस्तों। अच्छा, वीडियो का टाइटल तो आपको पता चल गया होगा, व्हाट पाकिस्तानी पीपल नो अबाउट इंडिया, द क्विज पाकिस्तान ऑन इंडिया फीचरिंग लॉकिंग कलर्स। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के बंदे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों। एक्साइटेड? या वेरी वेरी एक्साइटेड, दो चीजों के लिए एक्साइटेड, एक इस वीडियो के लिए और एक इंडिया और पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है 24 अक्टूबर को, उसके लिए एक्साइटेड है दोस्तों। शुरू करते हैं। मलयालम, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, काली माता, हनुमान, गणेश, कोहली आपको पसंद है? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा। वाह क्या सीन है। अगर हम गएंगे, हाँ आप तो कहना गाना गाओ, वो हम गाएंगे नहीं। बहन डर गई, बहन डर गई। आज मैं आपको ले आया हूँ ऑल द वे टू माय कंट्री पाकिस्तान। दुनिया कुछ भी कहे, इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आज इन्हीं से पूछेंगे कि पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में क्या जानते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स गो। आपका क्या नाम है? अदनान समी। अरे भाई ये तो क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको पता होगा पाकिस्तान एशिया में है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? वो भी एशिया में। एशिया में ही होगा, दोनों इस बारे में साथ है। इंडिया भी एशिया में ही है। एशिया में कितना बार कोई जानता है? पाकिस्तान एशिया में है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? तो आपने अभी जवाब दे दिए, वो भी एशिया में। वो भी एशिया में है। इंडिया भी ऑब्वियसली एशिया में है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही होते थे, सब कॉन्टिनेंट होता था, ये दोनों अलग कौन से साल में हुए? 1947 में। मुझे बताएं कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा इंडिया में और कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तमिलनाडु, पंजाबी, उसके अलावा गुजराती, बंगाली, देयर लॉट ऑफ देम, लेकिन हम लोग ये पॉपुलर पता है। जैसे मेरी उर्दू भी हो सकती है बहुत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी बोली जाती है जो की पंजाब में बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइकी भी उनके कुछ इलाके हैं जिनमें बोली जाती है, मराठी वगैरह बोली जाती है, हिंदी वगैरह बोली जाती है, और बस ये बहुत सारी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, बहुत सारी। मुझे इसमें काफी रिसर्च कर रखी है। पंजाबी, मलवारी, सराइकी, सराइकी बोली जाती है, वो हमने तीन आपको बता दिए, तेलुगु, पंजाबी और मलवाली। तो पाकिस्तानी इंग्लिश के अलावा इंडिया में और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? लेकिन एक सेकंड, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके अलावा तो काफी सारी। अरे भाई भाई वाला तो लगा हुआ है फुल मूड में। कोई नाम आते हैं तो बता दें। तमिलनाडु है, हिंदी, पंजाबी, देख भी रहा है, मराठी। I got broads in Atlanta. She's a Dolin in the family. Yo, bro, tag life. मजा आया। होली में कलर वगैरह पहनते हैं, रंग वगैरह कपड़ों में, व्हाइट सूट पहनते हैं, और दिवाली में जो है ना पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, मतलब उनका ये कल्चर है। शाबाश बेटा,
दिवाली के ऊपर तो मेरे ख्याल में वो रंग वगैरह दिखाए जाते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। और होली में भी मेरे ख्याल यही होता है। बहुत बढ़िया रंग दिखाए जाते हैं। दिवाली पे मेरा ख्याल है वो कलर वगैरह फेंक रहे होते हैं, जिस तरह का सीन होता है। बंद करो। होली पे या दिवाली पे फेंक रहे होते हैं। होली में मेरा भाई है। होली पे फेंक रहे होते हैं। होली और दिवाली में। अच्छा तो आपको होली और दिवाली में डिफरेंस पता है? क्या मैं देखे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत पता है। अच्छा होली में कलर होते हैं, दिवाली में वो कोई वो बॉनफायर टाइप चीज करते हैं। अरे भाई रंग वगैरह सारा कुछ हो गया। दिवाली में सही पटाखे फायरवर्क्स और इस तरह से है। होली में बेसिकली वो रंगों का होता है और दिवाली में पटाखों टाइप का। और आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? होली मुझे तो दोनों ही पसंद है वैसे, जो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिले लेकिन दोनों ही पसंद है मुझे पर्सनल। अरे भाई बिल्कुल भी नहीं क्या? ज्यादा पानी वाटर और पानी वगैरह सारा। तो आपको दोनों में से क्या पसंद? सैड लाइफ। आओ कभी इंडिया दिवाली पे। हाय तो आपका क्या नाम है? साहिल खान। क्या बात। इंडिया के झंडे में तीन पट्टी हैं, उनकी कलर बता दें। एक ऑरेंज है, एक व्हाइट और एक ग्रीन। ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन। व्हाइट ऑरेंज एंड ग्रीन। लिख के रखा और ऑरेंज। एक तो आपने कलर पहना है ग्रीन, व्हाइट व्हाइट और ऑरेंज। ऑरेंज दो पहने हैं व्हाइट है और मजा नहीं आ रहा है। लेकिन एक सेकंड पीछे वाले का देखो बढ़िया है, बढ़िया बहुत अच्छा काम किया हो भाई। बिलू भाई बिलू तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में है। ये तो बहुत सीन याद आ गया मुझे। बहुत सारों के लाइक कृष्णा काली माता, बहुत सारे इंडियन टेलीविजन बचपन से देख रहे हैं। काली माता, हनुमान, गणेश, काली माता, गुरु नानक और एक और थी। सिखों के तो पता है, उनके तो पता नहीं है। सिखों का जो है गुरु नानक है उसको ज्यादातर मानते हैं, जो कि हमारे इधर ननकाना साहब में ही है। वाहे गुरु वाहे गुरु, ये तो उनका, ये गुरु नानक को ही कहते हैं ना, ये उनका ही गार्ड है सिखों का ही। गॉड राम, शिवा, कृष्ण, उसके अलावा हनुमान, ओम ओम भी है। नहीं काली माता तो लाइक प्रेजेंट है यार, कोई यही पहला नाम या बीच में तो नहीं है। उसके अलावा यार एक गणेशा। यस राइट राइट गुड नाइस। पाकिस्तान का रैंक पॉपुलेशन के हवाले से 7 है, बता सकते हैं इंडिया का क्या रैंक है दुनिया में? इंडिया का मेबी सेकंड या थर्ड होगा। नहीं नॉलेज, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिहाज से, उसके तो 34 मेरा ख्याल प्रोविंस है। हाँ जी 27। चाइना सबसे पहले नंबर 1 पे और सेकंड भी है इंडिया 28। पाकिस्तान का रैंक पॉपुलेशन के हिसाब से 7 है, इंडिया का क्या रैंक है? सेकंड। बहुत बढ़िया सेकंड नंबर 2। चाइना 1 पे इतना मुझे पता, तो इंडिया 2 पे है। बहुत बात इंडिया में। इंडियन क्रिकेट टीम का ओडीआई का करंट कैप्टन कौन है? विराट कोहली, अभी शादी हुई उसकी, इतना मुझे पता है। हमको सिखा रहा है यार वो बहुत अपडेटेड है यार, बंदे ना बहुत ज्यादा। विराट कोहली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। आप बताएं धोनी, क्या आपको विराट कोहली पसंद है? ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा या the blessing girl I ain't trying to pressure her no. she messed with the temperature heart of the sun
करके खेलता है। उसका पैशन अपने करियर को आगे लेके, क्रिकेट को लेके, अपनी टीम को लेके, अपने कंट्री को लेके, इज वेरी पैशनेट अबाउट इट। यो मैन है पूरा पूरा। इंडिया का करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी आई थिंक मोदी 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 नरेंद्र मोदी मैं तो नरेंद्र सिंह मोदी। क्या आपको लगता है कि इंडियंस को नरेंद्र मोदी पसंद है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। मुझे नहीं लगता। ऐसे जीत गया भाई। और मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इस बंदे को पसंद करते होंगे। मजा आया। कुछ लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वाह 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 वाह। कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इट्स लाइक टू दे डोंट थिंक एज राहुल गांधी एज लीडर। उसकी वजह से दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्या आपको लगता है कि इंडियंस को मोदी पसंद है? इंडियंस को पसंद है। बहुत अच्छा चीज है जहां तक मुझे याद है। पसंद नहीं होगा, क्यों नहीं पसंद होगा? अच्छा हाँ करंटली चल रहा है बहुत सारे यहाँ पे जैसे आजकल सलमान खान के टाइगर जिंदा है उसके भी सारे मुझे मूवी गाने पसंद है। अगर हम गएंगे हाँ आप तो कहना गाना गाओ वो हम गाएंगे नहीं बस हवा निकल गई। अच्छा आप ना गए मुझे वैसे पता सारे अच्छे बहुत सारे आजकल करंट जो चल रहा है शाहरुख और कैटरीना का भी नया है बॉलीवुड का आपका फेवरेट सॉन्ग है? थोड़ा सा गाके सुना। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया मेरा बन बैठा है तेरा जिया तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम क्या बात है बंदे की स्माइल है यार बिना फेस के मस्त एकदम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये कौन फिल्म है भाई? तो ये इस बंदे का चैनल है। ओके सो ये थी वीडियो दोस्तों। हाँ बहुत ही मजेदार बढ़िया वीडियो थी। कुछ कुछ रिप्लाइज तो बहुत ज्यादा फनी थे, मजा आ गया देखकर। और काफी नॉलेज रखते हैं पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में, स्पेशली गॉड्स से रिलेटेड। इस वीडियो में तो काफी ज्यादा सेलेक्टिव ही लोग थे। आई थिंक 5 या 6 लोगों से ही बात की जा रही थी, तो उन्हीं से पूछा जा रहा था, तो उनके पास भी यू नो काफी अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने हिंदू गॉड्स के बारे में बताया और मोदी जी के बारे में कहा उन्होंने कि मैक्सिमम का तो यही कहना था कि मोदी जी इतने फेमस शायद से नहीं है या इतने लोगों को पसंद नहीं है इंडिया में, बट ऐसा है नहीं है। वो इतना मेजॉरिटी में जीत के आए हैं, सो ऑब्वियसली वो लोगों को पसंद हैं, तभी तो वो आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो को देख के, काफ़ी ज़्यादा फनी थे लोग, काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होके बता रहे थे, तो वो ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लगी। स्पेशली जो एक वुमेन थी बीच में वो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज लाइक बहुत बिल्कुल मजा काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई और बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आई थिंक। ये वीडियो देख के हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। दिस वॉज वेरी फनी आई थिंक और देख के भी काफी बंदे थे 4-5 ही, लेकिन जो वो 4-5 बंदे थे जो पर्सनैलिटीज थी बहुत ही ज्यादा फनी और अमेजिंग थे, मतलब मस्त एकदम। और बीच में जो एक सुट्टा मारते मारते आया दैट वाज फनी। रैंडम शॉट्स आर ऑलवेज बेस्ट मैन वी ऑल। सो ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो को। और ऐसे कुछ बाकी वीडियोज हैं जो हेट से उठ कर ऊपर मजाकिया वे में, फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में
अच्छी वीडियोस हों तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिखें, और आपको ये रिएक्शन कैसा लगा वो भी हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद और सेफ रहें।